तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन मूवीज़ के बारे में जो आपको अपने साथ एक अनोखे एडवेंचर सफर पर लेके जाने वाले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के लाल बटन को नहीं दबाया तो दबा दीजिए ताकि ऐसे मूवीज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले नंबर की मूवी की बात करते हैं डूलिटल। इसकी रेटिंग 5.6 है। जनवरी 2020 में रिलीज की गई ये एक एडवेंचर और फैमिली मूवी है। 1967 में आई डॉक्टर डूलिटल की रिबूट फिल्म, जिसमें डॉक्टर डूलिटल जानवरों से बात करते हैं। मूवी की प्लॉट की बात करते हैं, एक टाइम पर डॉक्टर डूलिटल जानवरों की हेल्प करते हैं, मगर उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद दुनिया से कॉन्टेक्ट तोड़ लेते हैं। एक दिन क्वीन विक्टोरिया की तबीयत खराब हो और उनके लिए एक जर्नी पर जाते हैं, और ये मूवी बच्चों को ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। सेकेंड नंबर की मूवी है जुमानजी। 1995 में आई मूवी, जिसका नेक्स्ट पार्ट 2017 में जुमानजी वेलकम टू द जंगल। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए जुमानजी नेक्स्ट लेवल 2019 में रिलीज किया गया। गेमिंग टाइप मूवी है, जिसमें कुछ स्टूडेंट मैजिकल गेम खेलते हुए अलग दुनिया में चले जाते और वहीं से एडवेंचर शुरू होता है। इस मूवी में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। मूवी को बाकी गेमिंग मूवी से अलग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पर मूवी है पायरेट ऑफ द कैरिबियन फिल्म सीरीज। इसमें टोटल 5 पार्ट है और हर मूवी में नए और अलग ही रोचक सफर पर जाने को मिलेगा। एक समुद्री लुटेरा कैप्टन जैक स्पैरो, जो कि खुद को समुद्र का चालक लुटेरा कहता है, हालांकि चालक है या नहीं आपको तो ये मूवी में देखना पड़ेगा, मगर हमेशा खजाने की तलाश में नए सफर पर निकल पड़ता है। इसमें एडवेंचर के साथ एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है। फोर्थ नंबर की मूवी है हॉबिट अनएक्सपेक्टेड जर्नी, जिसे 2012 में रिलीज किया गया। रेटिंग इसकी 7.8 है, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। जबरदस्त एक्शन के साथ परफेक्ट VFX का भी कॉम्बिनेशन है। लिस्ट की अगली फिल्म है जुरासिक पार्क। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1993 में, जिसकी रेटिंग 8.1 है। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये मूवी हिट गई थी, जिसके चलते इसके और पार्ट आ चुके हैं, मगर आज भी इस मूवी को देखना ज्यादा पसंद किया जाता है। सिक्स नंबर पर मूवी है कैसिनो रॉयल, जो कि एक एक्शन स्पाई एडवेंचर फिल्म है, और ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2006 में। ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की 21वीं फिल्म है। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड को अलग ही तरीके से दिखाया गया है, जो कि कमाल की बात है। जिसको भी स्पाई एडवेंचर फिल्म का शौक है, उसे ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। सेवन नंबर की मूवी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे 2008 में रिलीज किया गया, जिसकी रेटिंग 5.8 है, जो कि एक फैंटेसी और एडवेंचर मूवी होने वाली है। अब मूवी की स्टोरी की बात करें तो अपने भाई को ढूंढने के लिए एक बुक जो इसके भाई की होती है, और उस बुक के सहारे एक नई जर्नी शुरू करता है। ये जर्नी एक रोमांचिक एडवेंचर से भरी है, देखकर आपको मजा आने वाला है। की अगली मूवी है एक्वामैन, जिसे 2018 में रिलीज किया गया। इसकी रेटिंग 7 है, जो कि एक एडवेंचर और एक्शन मूवी है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो समुद्र की रानी एक धरती पर रहने वाले इंसान से लव करती है और उनसे एक बच्चे का जन्म होता है। अपनी मम्मी से उसे बहुत सी शक्तियां मिलती है और उन शक्तियों का यूज करके उसे समुद्र का राजा बनना पड़ता है। राजा बनने तक का एडवेंचर बड़ा ही रोमांचिक होता है, और इस रोमांचिक सफर को आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। नंबर की मूवी है इंडियाना जोन्स राइडर ऑफ द लास्ट आर्क। 1981 में आई फिल्म, जिसको 8.4 की रेटिंग मिली। ये एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। इंडियाना जोन्स के फर्स्ट पार्ट के साथ इसका एडवेंचर खत्म नहीं होता, इसके 4 पार्ट और आ चुके हैं। आने वाले साल में इसका 5वां पार्ट भी आने वाला है। अगर एडवेंचर जैसी मूवी का देखने का शौक रखते हैं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। 10वें नंबर की मूवी है कास्ट अवे। एडवेंचर मूवी की लिस्ट में टॉप लिस्ट में आने वाली मूवी है। 2000 में रिलीज हुई मूवी, जिसकी रेटिंग 7.8 है। लेकिन मानिए दोस्तों, हारे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा देती है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं, ताकि उन मूवी की टॉप लिस्ट आपको दे सकूं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।